सबसे पहले आज जो मूर्ति है काफ़ी भव्य मूर्ति लग रही है जी एंड मुझे अभी काफ़ी सारी स्पेशल चीज़ें हैं, तो आपसे एक एक करके जानना चाहूँगा कि पहले तो मूर्ति एंड डेकोरेशन के बारे में बताइए। वेल इस साल मैं मूर्ति पिछले साल से 1 फीट और बड़ी लेकर आई हूँ। अराउंड 3 फीट के गणपति बापा हमारे घर आए हैं और बहुत ही सुंदर मूर्ति है जैसा कि आप देख सकते हैं। और लगभग 3 महीने पहले मैंने इस मूर्ति का सिलेक्शन किया और पर्सनली बैठ के सारे ऑर्नमेंट्स और ज्वेलरी खुद मैंने बैठ के डेकोरेट करवाया है। तो थोड़ा मुश्किल हुआ लाने में गणपति बप्पा को, क्योंकि इतने ज़्यादा यू नो हम बड़ी मूर्ति इस साल लेकर आए हैं। बट जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑर्किड एंड वाइट पर्पल लैवेंडर एंड वाइट थीम के साथ मैंने डेकोरेशन किया है विद ओरिजिनल फ्लावर्स। सो लैवेंडर एंड वाइट की थीम के साथ बहुत ही खूबसूरती के साथ मैंने डेकोरेट किया है गणपति पापा को। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया हमारा डेकोरेशन। पापा की ये जो कितने साल हुए, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि मैं पिछले 7 साल से गणपति पापा को घर लेकर आ रही हूँ और दिस इज़ द 7th ईयर। तो बहुत ही धूमधाम के साथ गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल मनाया जाता है महाराष्ट्र में, मुंबई में। और मैं भी पिछले 7 साल से बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मना रही हूँ। सब फ्रेंड्स आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, बहुत सारे गेस्ट आते हैं, भजन कीर्तन होता है और मतलब ऐसा लगता है कि शादी का माहौल है घर पे। और जब उनको विदा किया जाता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है कि यू नो जब उनको हम अलविदा करते हैं, उनको हम पानी में बहा के आते हैं इन आर्टिफिशियल पॉन्ड। तो बट इट्स लाइक अ फेस्टिवल और पूरे साल मैं इंतजार करती हूँ इस फेस्टिवल का और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गणेश चतुर्थी। जो पहले साल की आगमन किस तरह से हुई, क्या मन्नत थी या फिर इस तरह आप लोग ने डिसाइड किया कि दैट वी हैव टू स्टार्ट विद दिस? वैसे कोई ऐसे मन्नत तो नहीं मांगी थी मैंने, बट ये था कि बहुत ज़्यादा मन था क्योंकि मुझे 2 साल हो चुके थे बॉम्बे आए हुए और मैं कभी भी गणपति पापा को घर नहीं लेकर आई थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि मैं गणपति पापा को लेकर आऊँ, बट पता नहीं ऐसा लगता था तैयारी हो पाएगी, इतने सारे गेस्ट को देख पाएंगे कि नहीं और गणपति पापा की पूरी विधि विधान के साथ पूजा हो पाएगी कि नहीं। तो उस चीज़ का थोड़ा सा डर रहता था, बट फाइनली जैसे पापा घर पर आते हैं अपने आप सब कुछ हो जाता है बहुत ही स्मूथली। बचपन की कोई याद अगर शेयर करना चाहो गणपति जी को लेके, किस तरह से रिलेटिव्स फ्रेंड्स किस तरह मॉम डैड क्या क्या कुछ कहते थे गणपति जी के बारे में? गणपति जी विघ्नहर्ता पालनहर्ता और हर चीज़, हर शुभ कार्य की शुरुआत गणपति पापा का नाम लेके की जाती है। तो यही एक याद है जो हम सभी के साथ जुड़ी हुई है कि किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले हम गणपति पापा का नाम लेते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत याद है हम सभी के साथ। तो अभी भी आज भी हर शुभ कार्य से पहले हम लोग गणपति पापा मोरिया बोलते हैं, गणेश वंदना के साथ शुरुआत करते हैं। तो यही एक याद है जो बचपन से आज तक जुड़ी हुई है। बापा से ब्लेसिंग लेके कोई एनीथिंग अपकमिंग प्रोजेक्ट वुड यू लाइक टू शेयर, कोई सरप्राइज प्रोजेक्ट अपने फैंस को देने वाले हो? वेल लास्ट वीक आपने मेरा गाना देखा था जट बोलदा और ये अभी रिलीज हुआ है और ट्रेंडिंग पे भी है। मीका सिंह जी ने प्रेजेंट किया ये सॉन्ग। तो ये गाना भी गणपति बप्पा का नाम लेकर ही हमने शुरुआत की थी गाने की और ये गाना काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। बट आने वाले कुछ हफ्तों में आप लोग और कई सारे नए सॉन्ग्स देखने वाले हैं मेरे और शायद आप किसी रियलिटी शो में भी देखें मुझे। सो ये थोड़ा सा सरप्राइज रखते हैं। वेली आपको पता चल जाएगा, मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी इस बारे में, बट हाँ आप जरूर टीवी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जाते हैं दो लाइन कोई भी आपके गाने की? मेरे गाने की या गणपति पापा की? कोई भी, गणपति पापा की ओकेशन में गणपति पापा की। आई थिंक हम गणपति पापा की ही आरती के साथ शुरू करते हैं। जय गणेश, 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 जय गणेश,
गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, एक दो तीन चार गणपति की जय जयकार, पाँच छह सात आठ गणपति हमारे साथ, नौ दस ग्यारह बारह गणपति है सबसे प्यारा, तेरह चौदह पंद्रह सोलह गणपति है सबसे भोला, सत्रह अठारह उन्नीस बीस गणपति हमारे बीच। थैंक यू थैंक यू।